मोस्ट डिमांडेड, मोस्ट रिक्वेस्टेड, आज का जो टॉपिक है उसको हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर खुद से कॉर्ड्स कैसे निकालें, तो देखिए इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू अचीव दैट सेंस जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अच्छा खुद से कॉर्ड्स कैसे निकालें। बट आज का जो लेसन है वो एक उसी दिशा में प्रयास है जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी टू दैट यू नो लेवल कि आप अपने हिसाब से कॉर्ड निकाल पा रहे हैं। एक दूसरा वीडियो अबाउट द स्ट्रमिंग पैटर्न विल ऑल्सो कम, है ना, तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा और इस पर पूरा ट्राई कीजिएगा पहले। ओके, दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। प्लीज एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो सेंस है ना टू यू नो अंडरस्टैंड द कॉर्ड्स सिर्फ कानों से ही सुन के समझ में आ जाए, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे या फिर वन लॉजिक थिंग। आपको कई दिनों तक लगातार ट्राई करना पड़ेगा, आप फेल होंगे और फिर ही जाके आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस इज हाउ यू गेट इट। ठीक है, नो डाउट आज के लेसन में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, एक सॉन्ग के साथ कि हाउ आई डू इट, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली वी विल सी कि आप लोगों के लिए ये जर्नी कैसी रहती है। तो आज जिस गाने को हमने एज अ केस स्टडी लिया है वो है मेरा मन संग बाय फलक सबीर और इट इज फ्रॉम द मूवी नौटंकी साला, तो वी विल बी यूजिंग द ट्रैक ऑल्सो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे कि कोई गाना कैसा है। देखो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इज टू हम अलोन, आपको साथ में हल्का सा गाना पड़ेगा। अगर आप ठीक से गा पाएंगे तो आपका जो कॉर्ड है ना वो भी बहुत प्रिसाइज होगा। तो जब भी कोई गाना सुने उसको साथ में गुनगुनाने की कोशिश कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ मैच कर रही है। तो चलिए एक बार शुरू करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दैट फर्स्ट। तो जो मुझे समझ में आया उसमें पहला जो हम नोट था वो था लाइक दिस। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे छठे स्ट्रिंग पे एक रन करके देखूंगा कि किस एरिया में है, किस पिच एरिया में ये फिट हो रहा है। सो इफ आई स्टार्ट विद ओपन, नो दिस इज लो, दिस इज ऑल्सो लो, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो मतलब इन दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए। फिर से सुनेंगे, सो दिस इज द नोट जहां पे हमारा जो हमिंग है वो मैच कर रहा है। तो इस पॉइंट का नाम है जी, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला सुर है वो जी लग रहा है। अब यहां पे मेजर और माइनर स्केल का जो नॉलेज है वो आपके बहुत काम में आ सकता है। जैसे ये आया, ओके पहली चीज जब आप इस गाने को सुनते हैं तो आपको क्या वाइब आती है, कि आपको क्या लगता है कि इट्स अ हैप्पी वाइब वाला सॉन्ग और इट्स अ सैड और डल सॉन्ग। ठीक है, लेट्स हियर इट अगेन। आई फील हैप्पी, है ना, और अगर आपने हमारा मेजर और माइनर स्केल वाला नो लेसन देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज ऐसा ही है कि मेजर स्केल्स जो है वो हैप्पी साउंड करती है या थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड करती है, और जो माइनस स्केल है वो थोड़ा डल और थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा ग्लूमी सा फील होता है। ठीक है, तो गाना जो है वो एक हैप्पी फीलिंग वाला गाना है, तो आई वुड गेस कि इट्स शुड बी अ मेजर कॉर्ड ऑरियंटेड सॉन्ग। सो ऑफकोर्स अगर मेरा पहला नोट जी है तो वॉट आई कैन डू,
आई कैन स्टार्ट गेसिंग विद द जी रोल ओनली, कि जी मेजर से लेते हैं, ठीक है? तो इफ आई सिंग विद जी, तो दिस इज हाउ आई गॉट इट. मेको मैंने पहले उसको हम किया, छठे स्ट्रिंग पे पूरा मैच करने की कोशिश की कि कौन से नोट से मैच कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट मैंने गेस किया और मेरा पहला गेस सही हो गया. ठीक है, आई नो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग सकता है आपको, अगर आपने हमिंग ही ठीक नहीं की तो फिर आप कैसे करेंगे. बट जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला ना कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कोई ना कोई गाना तो ऐसा होगा जिसका आप हम सही करेंगे, तो वो यू हैव टू कीप ट्राइंग विद डिफरेंट सॉन्ग्स कि अच्छा दिस इज हाउ यू कैन डू इट. सो बेसिकली पहला कॉर्ड आया जी. अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर आपको जैसे मैंने बोला कि मेजर स्केल के बारे में पता है, तो आपको पता होगा कि मेजर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आ सकते हैं. तो मेजर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आएंगे, जी मेजर स्केल के जो कॉर्ड्स हैं वो हो सकते हैं जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ई माइनर और एफ शार्प डिमिनिश कॉर्ड होगा, तो वो नॉर्मली यूज नहीं होता. तो बेसिकली हमारे पास 6 कॉर्ड्स के ऑप्शन है जो हम ट्राई करके देख सकते हैं. ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट कॉर्ड हमें क्लियर हो गया कि जी है, तो नाउ आई स्टार्ट विद, देन ऑलमोस्ट सेम साउंड करता है बट द कॉर्ड शुड चेंज, बिकॉज अगर आप गाना सुनेंगे तो यू विल फील इट कि हाँ यार यहाँ कोई कॉर्ड चेंज होना चाहिए. थोड़ा सा पीछे और, सॉरी है ना, ये आगे पीछे करने में बड़ा पंगा होता है. 2, 3, 4 और उसी के साथ साथ आप थोड़ा सा रिदमिक फील के बारे में सोच सकते हैं. यहाँ पे दूसरा कॉर्ड नीडेड है, तो लेट्स ट्राई द ऑब्वियस ऑप्शन. आपने अगर बहुत सारे गाने प्ले किए होंगे तो आपको पता होगा जी के बाद हम सी भी प्ले करते हैं, जी के बाद हम डी भी प्ले करते हैं, तो लेट्स ट्राई दोस. ठीक है, साउंड्स ओके, लेट्स ट्राई डी ऑल्सो. दिस ऑल्सो साउंड्स ओके. ठीक है, दोनों में से गलत कोई नहीं लग रहा ना, यही एक कंफ्यूजन है जो आपको बहुत बार शुरू में एक तरीके से है ना गलत कॉर्ड सीक्वेंस पे लेके जाएगा. बट यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू विल फाइंड दैट कॉर्ड जिसको सुनते आपको लगेगा कि हाँ यार दिस बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर नोट. सो नहीं, अब देखो ये तो साफ साफ सुनते ही लगा कि नॉट वर्किंग. So A minor is out of the question. C and D can be considered. Let's try B minor now. It is going, but ये थोड़ा सा feel change हो रहा है हमारा. मतलब अब हमें ऐसा जो normal happy feel है ना, वो उतना happy से ज़्यादा it's like कि थोड़ा सा feel change हो गया है. जब वो गा रहा है गाने में तो ऐसा feel नहीं आ रहा है. Okay, so. This sounds better and suits more. एक तो ये था, दूसरा तो I think मेरे हिसाब से E minor should be the better companion to G in this case. Okay, फिर next part पे चलते हैं. Then, एकदम से थोड़ा सा अप हुआ सिंगिंग में, तो लेट्स ट्राई अगेन फ्रॉम द सेम, जैसे पिछले बार जो हमने सी ट्राई किया था तो पहले सी ट्राई करते हैं. साउंड्स फाइन बट लेट्स ट्राई अदर ऑल्सो, लेट्स ट्राई डी. बट सी वॉज साउंडिंग बेटर. अब कोई माइनर कॉर्ड भी ट्राई करके देख लेते हैं. या दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिटिंग. ठीक है, बी माइनर और ट्राई करते हैं.
पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो दो कॉर्ड्स हैं, ए माइनर और सी, दोनों में से कोई एक वर्क करेगा. तो यहाँ पे वही है, आपका सिक्स्थ सेंस काम करना चाहिए कि विच इज साउंडिंग बेटर, विच यू आर फीलिंग मोर, है ना. सो आई एम गोइंग विद सी. ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्राई ए माइनर, वो गलत नहीं बोलूंगा मैं, बट टोटली डिपेंड्स हाउ यू सिंग इट. हो सकता है कि ओरिजिनल गाने में ये ऐसा चल ही नहीं रहा, ठीक है, बिकॉज ये यूकेलेले का साउंड ज़्यादा है, तो हो सकता है उसमें वो कॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा पैपी साउंड कर रहा हूँ. सो दैट्स कैन वर्क. सो एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन योर सिंगिंग, कि आप कैसे गा रहे हैं उसको. अगर आपने उसको गाने में चेंज कर दिया तो हो सकता है आपका कॉर्ड भी चेंज हो जाएगा. इसलिए कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट लेसन्स के कॉर्ड्स डिफरेंट होते हैं. जैसे सेम गाना है, गुलाबी आंखें के कॉर्ड्स कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर सिंगिंग, कि आप कौन से नोट से गा रहे हैं, आपका पिच लेवल क्या है. तो वो भी आपको समझने की ज़रूरत है. ओके, सो और यहाँ पे मेरा पहला गेस डी ही सही बैठ गया. क्यों? बिकॉज इट इज रिजॉल्विंग, कि एक तरीके से छूट रहा है, रिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे हमारा जो पूरा सिंगिंग पार्ट था. ओके, सो तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो मेरी है चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी है जिंदगी. ठीक है, अब इसी चीज को मैं दूसरे कॉर्ड पे गाता हूँ. तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो मेरी है चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी है जिंदगी. तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं. अभी इनिशियली डोंट, है ना, आप इस चीज में मत पड़िए कि, है ना, नहीं उस लेसन में तो ये बताया था, मेरा क्यों नहीं मैच किया. आप मेन चीज ये ध्यान रखिए कि अगर आप सही से गा रहे हैं, अगर आप सुर में गा रहे हैं, तो क्या आपका सुर आपके कॉर्ड से मैच कर रहा है, वो पहला क्राइटेरिया आपको रखना है. उसके बाद आप प्रिसाइज प्रिसीजन पे जाएंगे कि नहीं यार ये थोड़ा सा कॉर्ड ऑफ हो सकता है या दूसरा कॉर्ड हो सकता है. फर्स्ट ट्राई टू मैच विद योर वोकल्स, आपका वोकल्स थोड़ा सा ठीक होगा, सुर में होगा, और आप अपने कॉर्ड से मैच कर पा रहे होंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है, तो आई होप आपको ये लेसन के थ्रू समझ में आया होगा कि अगर आपको कॉर्ड्स निकालने हैं खुद से, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए वो होना चाहिए हम अलोंग, साथ में उसके गाना गाइए. हो सकता है हर गाना आप नहीं गा पाएं, तो यू विल फाइंड सम डे सम सॉन्ग कि जो आपको लग रहा है कि हाँ आप प्रॉपरली गा पा रहे हैं, सुर में गा पा रहे हैं, एंड देन ट्राई टू हम इट एंड यू नो ट्राई टू फाइंड इस पूरे छठे स्ट्रिंग के अराउंड, एंड फर्स्ट नोट के हिसाब से यू कैन स्टार्ट ट्राइंग इट. दूसरा, ये भी ज़रूर से नोटिस कीजिए कि मेजर कॉर्ड है कि माइनर कॉर्ड है. मेजर कॉर्ड्स आर हैप्पी कॉर्ड्स एंड माइनर कॉर्ड्स आर लाइक, यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन हियर द डिफरेंस, है ना. सो हैप्पी एंड सैड, दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि मेजर कॉर्ड है कि माइनर कॉर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. तो ये जो खुद से कॉर्ड निकालने वाला प्रोसेस है ना, इट्स अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस आई वुड से, कि जिसमें बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है. तो प्लीज स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस विद योर मेजर स्केल एंड माइनर स्केल एंड द कॉर्ड डायग्राम्स एंड द कॉर्ड फैमिलीज, एंड देन आई होप यू विल गेट इट. देखिए, मैं जानता हूँ कि हो सकता है ये लेसन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहे, बिकॉज जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि इट कैन टेक टाइम एंड इट्स अ यू नो क्यूमुलेटिव प्रोसेस. बहुत सारे स्किल्स का होना ज़रूरी है. धीरे धीरे यू विल बी एबल टू गेट इट एंड आई होप यू विल बी एबल टू प्ले इट ऑल्सो. प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में और किस तरीके से आपकी हेल्प की जा सकती है. And don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video also. ठीक है, हम लोगों का और time to time अब हम थोड़े से giveaways लाते हैं आपके लिए, तो उसमें भी आप participate कर सकते हैं. उसके लिए आपको connected रहने की ज़रूरत है, तो we hope कि you will be connected to us. तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे lesson के साथ. Till then, take care.